एक बात तो बताओ भाई, ध्यान करना क्यों है, फायदा क्या है कि ध्यान करो भाई, रीजन क्या है? एक रीजन तो आप सभी जानते हैं, मम्मी पापा समझाते रहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, कम से कम बोलना बंद कर देंगे, है ना, ध्यान से पढ़ो बोलना बंद कर देंगे। एक फायदा तो आपको पता है, बाकी छोटे मोटे फायदे मैं बता देता हूँ, एक्चुअली वो बड़े फायदे हैं। देखिए क्या होता है, कई बार आप फिल्म देखने के लिए गए और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरा होमवर्क अधूरा है, या मेरा काम अधूरा है, या कल मेरा पेपर है, या असाइनमेंट पेंडिंग है, तो फिल्म का मजा चला जाता है ना, मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फिल्म में आप ध्यान लगा ही नहीं पा रहे, आपका ध्यान भटक रहा है, उधर जा रहा है। अच्छा जब पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान किधर है? अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, ध्यान किधर? आईपीएल में। अरे यार मैं पढ़ रहा हूं, आईपीएल निकला जा रहा है। ये चीज खत्म हो जाएगी जब आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, जब आप ध्यान से हर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपका समय बच रहा है, आप एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर पा रहे हो, पढ़ाई के समय पढ़ाई कर पा रहे हो, खेलने के समय खेलना कर पा रहे हो, फिल्म देखते समय सिर्फ फिल्म देख पा रहे हो। अच्छा छोटी छोटी चीज भी गड़बड़ हो जाती है जब ध्यान नहीं होता तो, जैसे कि सपोज खाना खा रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, खाने में चीजें अच्छी अच्छी स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनी है, लेकिन खाने का मजा ही नहीं आया, खा भी लिया, क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि ध्यान खाने की तरफ था ही नहीं, खाने की तरफ ध्यान हो कहां से, दिमाग में हजार टेंशन चल रही है, कभी किसी चीज की चिंता है, कभी किसी चीज की चिंता है, तो खाने तक का मजा नहीं आता। मतलब आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं उसका मजा तक नहीं ले पाते, कारण क्या? आपको पता ही नहीं है कि ध्यान कैसे लगाएं। तो इसीलिए, अब यानी कि अपने जिंदगी को पूरे अच्छे तरीके से मजे के साथ जीने के लिए आपको ध्यान लगाने की जरूरत है।